मेरा सबसे बड़ा फैसला एट द रेट लिव लाइफ विद छुटकरनी जिज्जी को लेकर। तो भैया चैनल का नाम टैग किया गया, फिर प्रमोट किया गया, ये टाइटल है भड़कनी जिज्जी का। फ्रेंड्स अभी कुछ देर पहले ही उनका वीडियो आया है और मेरे पास मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे बता रहे थे कि जिज्जी का वीडियो आ गया है। मैंने देखा और मैंने कहा चलो भाई इस पर भी रिएक्शन दे देती हूँ। तो फाइनली जिज्जी ने कल जैसे बोला था कि मैं कुछ करने वाली हूँ, कुछ अहम फैसले लेने वाली हूँ, ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिज्जी ने वीडियो में क्या बोला है, सबसे पहले तो मैं देखिए कोई वो ना करते हुए, देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा सबसे बड़ा फैसला जो इन्होंने लिया है, सबसे बड़ा फैसला वो यही है कि जो इनका चैनल है, जो चाय की दीवानी है ना, वो चाय की दीवानी सोच रही है कि क्योंकि आप हो, जनता जनार्दन है तो चाय की दीवानी है। मैंने ये सोचा है पहले, ये शिव सिंह कि मैं डायरेक्ट कर दूं या नहीं करूं, या मैं, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन पे अपने सब्सक्राइबर से, बेसिकली शी वॉज आस्किंग। तो इनका फैसला ये है कि जो इनका चैनल है ये अपनी छोटी बहन को देना चाहती है। वाओ जिज्जी, स्लो क्लैप्स। मतलब इनके हिसाब से कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी है, मेरे को मतलब नहीं था, किसी को भी कोई हक नहीं होता कि अगर उसका अच्छा खासा चैनल चल रहा है, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, उससे मेरा कोई हक नहीं बनता था। अगर मेरा चैनल है, मेरे से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए तो मेरे भाई बहन मेरी मम्मी का कोई हक नहीं है कि मेरा चैनल ले ले। जिज्जी बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गई, लेकिन उस टाइम तुम्हारी खोपड़ी ने काम क्यों नहीं किया, उस टाइम तुम्हें क्यों याद नहीं आया? भैया पैसे का चक्कर, यहाँ पे आके ज्ञान तो देना आता है लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती ना, जिज्जी ने चैनल छीन लिया था, डॉलर पैसे कहीं और जा रहे थे है ना, एक्सिस चैनल पे जिज्जी ने ले लिया था। खैर जिज्जी कह रहे हैं कि अभी ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस, इवन उसको भी नहीं पता है, मैंने पहले ही सोच लिया था, लेकिन आप लोग बताइए क्या करना चाहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी डिस्कस करी है। थोड़ा मेरे को आज कोल्ड है तो मेरी वॉइस इशू होगी, प्लीज़ आई होप आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। फिर जिज्जी ने ये भी बोला है कि जो मेरी मतलब मायका फैमिली है, मेरे भाई को मेरी बहन को और मेरी मदर तक को ये नहीं पता है कि मैं ये अपना चैनल देना चाहती हूँ। बाकी जिज्जी क्या रियली में मतलब वहां पे दोनों चैनल हैं टस के मस, मतलब अभी तक आप देखिए कितना ये बेवकूफ बना रही है, कितना लोगों को सी बना रही है, मुझे समझ नहीं आता। इनके दोनों चैनल वहां पे अभी तक हैं और दोनों पे ऐड चल रहे हैं, चैनल गायब नहीं हुआ है ना ही टर्मिनेट हुआ है। तो जो यहाँ पे आके जो ये स्क्रिप्ट दी गई है तुम्हें, स्टोरी इसी से व्यूज लो, कल भी व्यूज, हाँ मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती, जो चीज चल रही होती है उस चीज को मतलब कैश करो है ना, स्ट्राइक चैनल डिलीट टर्मिनेशन, उससे ये लोग बना रहे हैं कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जिज्जी ने बोला है, अब मैं यहाँ पे एक बात कहती हूँ, जिज्जी तुमने बोल दिया ना ये चैनल तुम दोगी, तो अगर उसने, और अगर उसने मना कर दिया, बाद में तुम ये मत कहना मेरे को मेरी बहन ने मना कर दिया, तुम पक्का अगर तुम्हारी बहन ने मना भी कर दिया ना, तुम ये चैनल डिलीट कर दो और फिर जीरो से शुरू करो, है ना, बिल्कुल बनता है। उसने भी जीरो से शुरू किया है, दिख रहा है उसके 5,000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए, तुम भी जीरो से शुरू करना। अरे भैया बहनिया ने अगर मना कर दिया, बाद में ये मत कहना कि नहीं नहीं मेरी बहन ने मना कर दिया तो मैं फिर चैनल क्या ही दूं, पहले मैंने तो बहुत कोशिश करी, मैंने इनकम नहीं ली उससे जो लोग कह रहे थे, फिर से एक्स को फंसाने की कोशिश की गई कि लोगों ने मैसेज करवाए और वो सब मैंने पिछले वीडियो में बताया, जैसे नहीं देख ली है आप लोग प्लीज इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करिए। इसके बाद जिज्जी कह रही थी कि उसकी लाइफ में तो बहुत सारी, उसके अंदर इतना ज्यादा पेशेंस है, उसने क्या चीजें नहीं देखी हैं, अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं तो 2019 में ही मर जाती। जिज्जी मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों बहनों में क्या प्रॉब्लम है, एज ए इन्फ्लुएंसर तुम लोगों को पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, हमेशा मरने मराने की ये सब बातें क्यों करते हो तुम लोग, हमेशा ब्लैकमेल करना दूसरे को, सामने वाले इंसान को कि मैं ये कर लूंगी मैं वो कर लूंगी। अरे भैया तुम लोग माफ करो, तुम्हारे को इतनी छोटी छोटी जो लड़कियां देखती हैं उन पे क्या मैसेज जा रहा है, सोसाइटी पे क्या मैसेज दे रही हो तुम? तो ऐसा इन्होंने बोला है कि ये मैं एक्शन ये लेने वाली हूँ, ठीक है, बाकी करेंगी नहीं करेंगी आपको टाइम आने पर जिज्जी का पता चल ही जाएगा, है ना। तो यही बड़ा फैसला है जो जिज्जी ने आज पूरे प्रॉपर टैग भी किया है, भैया दो चैनल चल रहे हैं वहां पे, लिव लाइफ विद मी छुटकरनी जिज्जी, लिव लाइफ विद छुटकरनी जिज्जी, दोनों के चैनल पे ऐड चल रहे हैं, मोनेटाइज चैनल। और यहाँ पे जिज्जी ये कह रही है कि ये चैनल मैं उसको दे दूँ, हाय रे जिज्जी, और कह रही है कि कितना भी हो जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, मेरा हक नहीं बनता था कि मैं उससे चैनल छीनू। तो उस टाइम क्यों छीना तुमने, उस टाइम भैया डॉलर दिख रहे थे, पैसा दिख रहा था, क्योंकि जिज्जी का चैनल चल रहा था, अच्छा व्यूज आ रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे, एक तो जेलसी भी तो इतनी होती है ना तुम्हारे अंदर। और फ्रेंड्स और इनकी वीडियो में आज संडे संडे मनाया गया है, बाकी इससे रिलेटेड तो यही था, बाकी आज ये शॉपिंग शॉपिंग स्टार्ट करी है इन्होंने, शॉपिंग की दिखी है स्टार्टिंग में,
सिटी सेंटर मॉल जो इनका पटना में है वहाँ पे गई हैं और इन्होंने शॉपर स्टॉप दिखाया है। उसके बाद ही बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रही थी जैसे इन्होंने H&M देखा। इनको लग रहा था H&M हुआ नहीं है, लेकिन फिर वहाँ पे अंदर जाके उनकी हेल्पर ने बताया भैया 25 अगस्त को आ गया स्टोर, तो H&M से इन्होंने थोड़ा बहुत शॉपिंग करी है जिसको बाद में आके इन्होंने दिखाया भी है घर पे आके। अच्छा, H&M के बाद ये एक आफरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे इन्होंने ब्लू बेरी मफिन और एलमंड मफिन खाई है। कहीं ना कहीं आफरा का मुझे ऐसा लगा कि प्रमोशन मिला था इनको, क्योंकि कुछ भी कोई भी नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल खाली रेस्टोरेंट था, लेकिन जाके जिस जिस छोटी छोटी चीज़ों को जिस तरह शूट कर रही थी, पहले इन्होंने अंदर का दिखाया, फिर इन्होंने बाहर का आउटस्कर्ट्स दिखाया जहाँ पे वो सिटिंग एरिया था, कह रही थी कि अभी तो इतनी गंदी गर्मी है, धूप है, तो हम कहाँ ही बैठेंगे, फिर वहाँ पे जाके बट इन्होंने आज ये बोला है कि हम लोग चार लोग गए थे, मेरी दोस्त के साथ हम लोग चार कुल लोग गए थे, तो इन्होंने मफिन वगैरह खाया था। लेकिन जिज्जी ने आज तक इनके साथ, चाहे हाउस हेल्पर ही गई हो, लेकिन जिज्जी ने बताया कि मेरी फ्रेंड्स गई थी, चार लोग गए थे। उसके बाद ये आ गई, वैसे इन्होंने आते ही ये चीज़ बताई है कि मैं आ गई और मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे खा लिया। अब देखिए, एक दिन पहले इन्होंने जंक फूड भी खाया था, ठीक है, ये यहाँ पे आके जो दिखाते हो ना तुम लोग, हम लोग चिल्ला खा रहे हैं, हम लोग ये बादाम खा रहे हैं हम लोग, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बखाने खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा रात में जब ये कह रही थी कि हम लोग वहाँ पे जाके मैंने फ्राइड राइस खा लिया, पेस्ट्री खा ली, है ना, पराठा खा लिया, रोल्ड पराठा, तो कहीं ना कहीं तुम लोग क्या मैसेज दे रहे हो? ऐसी कोई छुटकनी दीजिए, हम हेल्थ पे ध्यान देंगे। भाई यहाँ पे बोलने के लिए बोल देते हैं कि हेल्थ पे ध्यान देंगे, पानी ज़्यादा पियेंगे, फ्रूट्स खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, लेकिन पीछे मीठा भी खा रहे हैं, जंक भी खा रहे हैं बुरी तरह। तो क्या ही इन्फ्लुएंसर हो तुम लोग, इन्फ्लुएंसर नहीं हो, इन्फ्लुएंजा हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद इनके हुआ है पेट में दर्द। अब देखिए, ये कहती है कि मैं बस एक दिन में बस एक मील लेती हूँ, उस वजह से इनके हुआ है पेट में भयंकर दर्द, इन्होंने गर्म पानी पिया है और कह रही थी मैं थोड़ा वॉक करके आई तो मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या था दोस्तों, जिज्जी ने जो शॉपिंग करी है वो दिखाना शुरू करी है, जिसमें ये H&M से कुछ लेकर आई है, अपने ट्राउजर्स वगैरह लेकर आई थी, कैंडल लेकर आई है और कैंडल का स्टैंड लेकर आई थी, तो उस पर कह रही थी कि बहुत अच्छे से सजाऊंगी, और वो कह रहे थे अब 10 कैंडल ले लो, आई थिंक वनीला की लाई थी, इनको वनीला पसंद नहीं आई, तो दूसरी ये रोज मैरी वगैरह की दिखा रही थी, जैस्मिन की, तो कैंडल्स अच्छी लगती हैं घर पे, यस मुझे भी कैंडल्स पसंद है। उसके बाद जो कैंडल्स वो वहाँ पे जो हेल्पर थे वो कह रहे थे अब 10 कैंडल ले लो, तो इन्होंने बोला कि ये मेरे हस्बैंड कहेंगे कि दिवाली, तेरे को दिवाली ही मनानी है। अच्छा, इसी बीच जिज्जी ने अपना नेल पेंट भी दिखाया है, एक जो नेल पेंट ये खरीद के लाई थी, और भी कुछ इन्होंने शॉपिंग करी है, आई थिंक एक प्लांटर्स जो बाहर इनके प्लांट्स लगे हैं उसको, उस अगर घर पे लगा मतलब कमरों के अंदर इनको एज ए इंडोर प्लांट लगाना है तो वो उसमें रख के लगाएंगी। बाकी और तो मेरे ख्याल से शॉपिंग में क्या था, एक नेल पेंट लिया है इन्होंने, ठीक है, और भी एक दो चीज़ें इन्होंने और ली थी। वो दिखाने के बाद जिज्जी ने जो बात करी है वो ड्रेस की बात करी। अब देखिए, कल इन्होंने जो ब्लैक ड्रेस पहनी थी, जो ये बार बार पूछ रही थी कि आप लोग बताओ, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किसकी ड्रेस है, तो कह रही थी कि मेरे को लग रहा था सब लोग ये कहेंगे कि ये प्रीतो की ड्रेस है, छुटकन्नी जिज्जी की ड्रेस है, लेकिन सबने यही बोला कि ये ड्रेस तो प्रीतो ने गोवा में पहनी थी, लेकिन जिज्जी ये सुनना चाहती थी कि भाई प्रीतो की ड्रेस पे तूने है धावा बोल दिया, उसकी ड्रेस यहाँ पे भी तू लेके आ गई, लेकिन किसी ने ये लिखा ही नहीं। खैर, वो वाली ड्रेस जिज्जी, अच्छा यहाँ पे आगे जिज्जी ये भी कह रही थी कि इलांटे मॉल जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे भी बहुत अच्छे स्टफ मिलता है लड़कियों के लिए, तो जारा और H&M बेस्ट हैं, दी बेस्ट, हमेशा ब्रांड ब्रांड करती रहती हो जिज्जी, मतलब फिर से आज ब्रांड ब्रांड ही कर रही थी, और अपने ट्राउजर्स वगैरह दिखा रही थी, ग्रीन ट्राउजर है, एक ब्लैक ट्राउजर लाई है जो स्मॉल साइज का है, बाकी कैंडल और जो प्लांटर्स वगैरह हैं वो दिखा रही थी। इसके बाद एक बैग भी लेकर आई है, एक बैग भी दिखा रही थी कि मैं इसमें अच्छे से शॉपिंग करने के लिए मुझे एक बैग चाहिए था। बाकी हाँ, इनके ग्लासेस, इनके हस्बैंड के ग्लासेस जो पहले एक्सीडेंट में टूट गए थे, उस पर क्रैक आ गया, कोई बैठ गया, पता नहीं कौन बैठ गया, हाँ, तो उस वजह से जिज्जी गई थी, लेकिन वो भी उनका काम नहीं हो पाया। और इसी के बाद जिज्जी ने ये चीज़ एक्सप्लेन किया, मेरा फैसला है ना, अब तक मेरा फैसला उसको लेकर, तो यही जिज्जी ने फैसला किया है कि भैया चाय की दीवानी अपना चैनल देगी अपनी छुटकन्नी बहिना को। तो भैया चल क्या रहा है, चैनल टर्मिनेट हुआ नहीं, वहाँ दो दो चैनल चल रहे हैं, और यहाँ पे ये जिज्जी कह रही है कि जिज्जी ने मतलब इसमें कूद पड़ो, इस कंट्रोवर्सी में इस उसमें कूद पड़ो, ताकि मेरे को भी व्यूज आए, लोग मेरे को भी देखने आए, तो कहीं ना कहीं से ना मौके को अच्छे से भून लो, ताकि वीडियोस है ना, ताकि चल पड़े, लोग आए व्यूज से, चाहे लाइक ना करके जाए, आप देख लीजिए इनके कितने कम लाइक्स होते हैं और कॉमेंट्स, जो इनको भर भर के प्यार मिलता है। वहाँ छुटकनी जिज्जी भी कह रही थी, कल भी आप लोगों ने मुझे बहुत भर भर के प्यार, मतलब बस आओ वीडियो देखो,
ठीक है। बाकी हाँ, मुझे एक और बात करनी है, छुटकन्नी जी ने अपना असली रूप दिखाया दोस्तों लोगों को। मैं जैसे पहले कह रही थी कि चैनल पे ब्लॉक नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहती हैं कि लोग आए, मेरे को व्यू करें और इनके डॉलर बने, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ हुई है। इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, वो आपको इनके कॉमेंट सेक्शन पर दिख भी जाएगा, लेकिन बराबरी जो लोग भी कुछ बोल रहे हैं ये कॉमेंट सेक्शन में जाके जिज्जी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर से बहस करते हुए दिख रही हैं, बहुत गंदे तरीके से बात करते हुए दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब्सक्राइबर्स को और चिढ़ा रही हैं, किस तरह की इन्फ्लुएंसर है। बाकी कुछ इनकी फेक आईडीज़ भी बनी हुई हैं जो इधर उधर पहुंच के कुछ ना कुछ गंद मचाती हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि इनके चैनल्स को अगर आप अभी भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, अब इनकी मतलब अब तो ये क्या ही अच्छे से एक्सपोज हो चुकी है, चाहे ये हो चाहे इनकी बड़ी सिस्टर हो, ठीक है, खुद डिलीट करती है, कौन सिस्टर होती है, और फिर कह रही है कि मुझे कोई हक नहीं था, तुम्हें ये पहले समझ नहीं आई, अब यहाँ पे आके जनता के आगे बड़ी वो बन रही है। मैंने क्यों किया, मैं बहुत चलो तुमने बोल दिया ना, और वहाँ पे छुटकन्नी ने ये बोला था कि वो प्राइमरी चैनल होगा, उस चैनल को अगर बच भी गया तो उसमें मैं नहीं यूज़ करूँगी, देखते हैं, ठीक है, आप लोग भी वेट एंड वॉच। और यहाँ बड़कन्नी तुमने बोला है ना मैं चैनल दूंगी, ठीक है तुम उसको चैनल देना, लेकिन ये वाला चैनल अगर उसने नहीं लिया ना, चाय की दीवानी वाला चैनल, इसको तुम डिलीट करना है जी। इतनी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते तुम लोग आ जाते हो ना, मुंह से कुछ भी उड़ंट शंट बोलते रहो, बस एक हमारा एक वीडियो तैयार हो जाए, हमारा स्क्रिप्ट है ना जो इनको मिलती है। बाकी यही था इनका संडे का वीडियो, और बाद में इसके बाद इन्होंने चिल्ला बनाया जिसमें ये गाजर वगैरह डाल रही हैं और कसूरी मेथी वगैरह डाल के चिल्ला बनाया। बाकी अपने टेबल पे वो जो बादाम मखाने सब रखे हुए हैं, लोग कह रही थी कि लोग कहते हैं कि आप ऑयल फ्री खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी, बाकी हम लोग ये देखो मखाने खाते हैं, बादाम खाते हैं, इससे कोई वो नहीं होता। और फिर लास्ट में इन्होंने वो जो बीन्स होती हैं, बीन्स गाजर की सब्जी ऑयललेस बनाई है मटर डाल के, तो इसी तरह इनका आज का वीडियो हो गया है ख़त्म। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सॉरी मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आज मुझे हो गया भयंकर कोल्ड, इससे थोड़ा सा मेरी वॉइस भी चेंज लग रही होगी। बाकी यस, देखते हैं जिज्जी क्या वाकई अपना चाय की दीवानी वाला चैनल छुटकन्नी जीजी को देंगी। वहाँ पे छुटकन्नी जीजी ने दो दो चैनल्स खोल लिए हैं, किस तरह से लोगों को क्या पागल बना रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर्स, वाह भाई वाह, मतलब लोगों को पागल बनाओ, लूटो, लूट मची पड़ी है हाँ, और अपना घर बनाओ, इस तरह बनाओगे घर, मतलब डिजिटल भिखारी कहना चाहिए इन लोगों को। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यस बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बाय बाय।